और अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां विधानसभा में आरडीएक्स से भी ज्यादा घातक विस्फोटक मिलने के बाद एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। यूपीएटीएस की टीम भी पड़ताल कर रही है कि आखिर ये जो इतनी बड़ी साजिश रची गई, किसने रची, कैसे रची। लेकिन आज यूपी विधानसभा में सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी लापरवाही का और खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भीतर एटीएस के जवान चप्पे चप्पे पर नजर रखे हैं। यूपी विधानसभा के भीतर हर जगह बम स्क्वाड के लोग तलाशी ले रहे हैं। यूपी विधानसभा के गेट पर बिना पहचान साबित किए किसी को अंदर नहीं आने मिल रहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के गेट पर बिना पास दिखाए कोई भी दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। गाड़ियों पर टगे बैग को देखकर तलाशी अभियान और तेज हो जाता है। कोई भी संदिग्ध चीज देखकर जवान उसे अच्छी तरह से जांच परख रहे हैं। विधानसभा के परिसर में फायर ब्रिगेड के जवान मॉक ड्रिल कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा के भीतर आरडीएक्स से भी घातक विस्फोटक पदार्थ पीटीएन मिलने के बाद अब सारी सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। लेकिन इतनी चाक चौबंद सुरक्षा के बीच लापरवाही का बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश की जिस विधानसभा के भीतर विस्फोटक मिला, अब पता चला है कि उसी असेंबली में लगे 100 सीसीटीवी कैमरे में से 94 खराब पड़े हैं। जबकि सीसीटीवी कैमरे के भरोसे ही इस बात की जांच होनी है कि असेंबली के भीतर किसने विस्फोटक पदार्थ रखा था। आज लखनऊ विधानसभा में यूपीएटीएस की टीम पहुंची। जवानों के साथ उनके एसपी प्रभाकर चौधरी मौजूद थे। एटीएस के जवान विधानसभा के भीतर चारों तरफ घूमकर देख रहे थे कौन सी जगहें संवेदनशील हैं, कहां सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है। बेसिकली अभी जो है हम लोग जो यहां की सिक्योरिटी का जो प्लान है उसके हिसाब से यहां का सर्वे कर रहे थे। अपनी टीम कहां लगानी है, कहां कहां डिप्लॉयमेंट करना है, ताकि कोई भी आकस्मिक स्थिति यदि उत्पन्न होती है, कोई भी अटैक होता है या किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होती है, तो हमारे कमांडोज पहले से ही जानकारी उनको रहे और क्विक रिस्पॉन्स कर सके। इस बीच आपको बताते हैं कि विधानसभा के भीतर विस्फोटक पदार्थ रखने के पीछे किसका हाथ है, ये पता करने के लिए क्या क्या अब तक हुआ। विधानसभा के भीतर एनआईए की टीम ने पहुंचकर जांच शुरू की। एटीएस ने विस्फोटक की फिर से जांच के लिए दिल्ली की फॉरेंसिक लैब में भेजा है। दो विधायकों समेत 6 लोगों से अब तक पूछताछ हुई है। विधानसभा में सफाई का काम करने वाले 4 कर्मचारियों से सवाल जवाब हुआ है। उधर चूंकि इसी उत्तर प्रदेश विधानसभा में सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, इसलिए एटीएस की टीम और पुलिस ने पूरी असेंबली के चप्पे चप्पे को अच्छी तरह से जांचा। आज शनिवार है और विधानसभा की बैठक नहीं होती है, लेकिन वो सारे एहतियाती उपाय आज किए जा रहे हैं जिसकी पहले से यहाँ जरूरत थी। यहाँ पर जो स्निफर डॉग ला करके एक एक गाड़ियों की, लोगों की, आने जाने वालों की चेकिंग हो रही है। विधानसभा में यहाँ 9 गेट हैं और कुछ ऐसे गेट हैं जिससे सिर्फ लोग बाहर निकलते हैं, जैसे गेट नंबर 2 है और ये गेट नंबर 7 है, जहाँ से आम तौर पर विधायक, मंत्री या फिर हमारे जैसे पत्रकार आते हैं। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है यहाँ पर और आज से नियम में बहुत बदलाव है। गाड़ी का पास है अगर, उसके बावजूद जिसके पास अपना पास होगा वही उस गाड़ी में बैठकर आ सकता है। पहले उस गाड़ी में बिना पास के भी लोग चले आया करते थे। विधानसभा सुरक्षा से संबंधित जो निर्देश और ज़्यादा मिले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, उसके रहते हुए आज से जो चेकिंग है वो और स्ट्रिक्ट कर दी गई है और ये वही रूटीन चेकिंग है जो सभी गेट्स पर और अंदर की तरफ चेकिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 3 लेयर की सिक्योरिटी लांघ कर विस्फोटक पदार्थ का भीतर पहुंचना और अब ये भी पता चलना कि 100 में से 94 सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे, ये बताते हैं कि सुरक्षा को लेकर कितनी बड़ी लापरवाही बरती गई है। ये तो साफ है कि सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती गई और अब जब सुरक्षा के मामले पर नींद टूटी है तो यूपी विधानसभा में किस तरीके से सघन जांच की जा रही है इसकी एक तस्वीर जरा देख लीजिए। एडीजी जोन अभय प्रसाद की कार सचिवालय पास ना होने की वजह से भीतर जाने से रोक दी गई। देखिए किस तरीके से गाड़ी को रोका गया, क्योंकि पास नहीं था। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।